हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज संग्राम सिंह, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। और ये व्लॉग शुरू करने के पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। फाइनली हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद। ऑलमोस्ट 90 वीडियोस मैंने बना लिए, 1.5 साल हो गए। अगर यही 1000 सब्सक्राइबर्स आसानी से 2-3 वीडियो में आ जाते तो शायद मुझे उतनी कदर नहीं होती, एक्साइटमेंट लेवल नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद जब कुछ मिलता है तो उसका मजा कुछ और होता है। और आज का ये जो व्लॉग है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया, मैं जा रहा हूँ ऑडिशन अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन हाउस में। मैं लास्ट टाइम गया था 2013 या 2014 में, तो ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद जा रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऑफिस वहीं पर है, ऑडिशन है नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। मैंने भले अपने रास्ते बदल दिए लेकिन मेरी मंजिल अभी भी वही है। तो मैं हूँ अभी घनसोली, नवी मुंबई मेरे घर पे। तो यहाँ से अंधेरी का जो रास्ता है मैंने इजी रूट चुना, यहाँ से एरोली जाऊंगा, एरोली से घाटकोपर, घाटकोपर से अंधेरी। स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये मेरा मोटो व्लॉग सेटअप भी रेडी किया है, क्योंकि व्लॉग को और मजेदार और एक्साइटमेंट, एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, ताकि आप लोगों को एज अ व्यूअर मजा आए। अगर वहां पर ऑडिशन शुरू नहीं होगा तो भी मेरा दिन वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अगर वहां पर ऑडिशन शुरू नहीं होगा तो वर्षों में बीत जाएंगे। जब ऑडिशन पूरा खत्म हो जाएगा तो कोशिश करेंगे माहिम दरगाह जाने की, माहिम चर्च जाने की, या कोई और जगह जाने की। तो ये व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी मजेदार, काफी एंटरटेनिंग होने वाला है और हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले, एक अलग ही राइड, एक अलग ही जर्नी होगी। तो फाइनली आई एम रेडी। और यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है, हमारा बच्चू महाराज। ये बच्चे लोग के नहाने का टाइम हो गया, उधर नंगू पंगू खड़ी है वो बच्ची। चल रागिनी, चलो चल आई, चला चला चलो नीचे तक डैडी लेके जाता है, फिर डैडी को जाने देने का। ओके, ये हेलमेट लेके जाना रागिनी, जाता टाइम ऊपर। चलो बाय बाय। Sometimes it's very hard to say goodbye. So right now I'm in Airoli. जल्द से जल्द मुझे पेट्रोल भराना है, and this is my first time when I'm going by this route. College days में हम लोग बहुत जाते थे मुलुंड वगैरह, on मुलुंड घाटकोपर bridge. So this is मुलुंड टोल नाका। तो finally हम लोग आ गए घाटकोपर के सिग्नल पे। ओ मैडम जी, अच्छा मैडम जी तो कटिंग वटिंग मार के चला रही है बॉस। तो फिलहाल हम लोग ने ले लिया राइट टर्न, एक शॉर्टकट है जो घाटकोपर स्टेशन से थोड़ा आगे जाने के बाद राइट लेकर आता है। यहाँ से आप हार्डली 2 या 3 मिनट में साकीनाका स्टेशन पहुंच जाओगे। फाइनली वी आर एट वर्ल्ड फेमस साकीनाका मेट्रो स्टेशन, साकीनाका सिग्नल। हमारे जुपिटर के लिए खाना मिल गया है, पानी मिल गया है, तो यहाँ पर उसका खान पान करेंगे, फिर जाएंगे आगे के सफर पे 200 का पावर। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए यहाँ अंधेरी ब्रिज के, यहाँ पर ये यहाँ से ब्रिज है और यहीं से राइट में जाएंगे तो अंधेरी स्टेशन आएगा। लेकिन प्लान में एक छोटा सा बदलाव किया मैंने, मैं अभी अंधेरी स्टेशन नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जानता कि आपकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो थोड़ा चिल्ला के बात करो। मैं अभी अंधेरी स्टेशन नहीं जाऊँगा, यहाँ से स्ट्रेट डायरेक्टली एक वर्सोवा के लिए राइट आता है, वहाँ से राइट लूँगा और फिर वहाँ से डायरेक्टली जो प्रोडक्शन हाउस है फैंटम प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टली वहाँ जाऊँगा और देखूँगा ऑडिशन है नहीं है क्या है। अब इसी हिसाब से वर्क होगा पूरा प्लान। और थोड़ी प्यास भी लगी थी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और ये ग्लास है जो इसका ढक्कन है, तो ये ढक्कन से पानी पिएगा तो प्यास बुझती है, ऐसा एहसास होता है कि पानी पी लिया गया है और प्यास बुझ चुकी है। तो चीयर्स। वी आर इन आरामनगर वर्सोवा अंधेरी, और यही पीछे ही है वो ऑफिस जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर पहले ऑडिशंस होते थे। अभी जाएंगे तो आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर माई पोपट। अगर मेरा पोपट होता है वहाँ पर ऑडिशन नहीं हुआ तो आई एम ओके विद इट, मैं रेडी हूँ, मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँगा। मैं पहले माइंड सेटअप करके जा रहा हूँ, अगर ऑडिशन होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बट हमें जाना तो है, सो लेट्स गो फॉर इट। तो भाई जैसे हमने कहा था कि हमारा पोपट होगा, तो हमारा पोपट हो चुका है। जहाँ पर एक्चुअली ऑफिस था पहले, वहाँ पर का पूरा नक्शा ही बदल गया, वहाँ पर वो ऑफिस ही नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ बन गई है वहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर शायद ऑफिस होगा, आगे एक और भी ऑफिस था, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर भी एक ऑफिस था ना वो अनुराग कश्यप का, बंद हो गया अभी, कुछ नए ऑफिस का अपडेट नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है उनका। मैं रहने वाला वाराणसी से। पर ऑडिशन हो रहे कहाँ पर है वो? 117 पार्ट 1। ठीक है, देख लो सकते हैं तो मैच कर जाए। ठीक है, थैंक यू। तो भाई अभी अभी हमें न्यूज़ मिली है, जिनसे हम मिले थे उन्होंने कहा कि जो अनुराग कश्यप के यहाँ पर दो ऑफिस थे वो दोनों के दोनों बंद हो गए और नए ऑफिस का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैंने एक एड्रेस तो पढ़ा था वीरा देसाई रोड का, पर वहाँ पर जाना भी मतलब बनता नहीं है। उस लड़के ने हमें कहा कि यहाँ पर एक और ऑडिशन हो रहा है आरामनगर पार्ट 1 रूम नंबर 117 में, अगर आपको जाना है तो जाओ। तो अभी जाके देखते हैं आरामनगर यहाँ पार्ट 1 में। इस तरफ तो आ चुके हम लोग 117 की खोज में, 113 तो मिल गया, लेकिन 117 111 इधर है, 113 उस तरफ है, तो 117 कहाँ पर है? 117 की तरफ 117 यहाँ कहाँ से है रास्ता? यहाँ से।
जैसे आप लोगों ने देखा कि भैया हमें रूम नंबर 117 ही मिल गया और हम अंदर ऑडिशन के लिए भी गए, लेकिन जैसे हम ऑडिशन के लिए गए खड़े हुए, उन्होंने बोला कि उनसे पूछो कि आप फिट हो नहीं हो, तो उन्होंने जो लेडी थी उसने डायरेक्ट बोला आप चले जाओ, तो ना ही कोई ऑडिशन हुआ, ना ही उन्होंने देखा कि क्या इस बंदे में काबिलियत है नहीं है, बस उन्होंने लुक देखे, पता नहीं उन्होंने क्या देखा लुक में, हमारा कलर देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा आई एम नॉट श्योर, या उनके रोल के हिसाब से हम फिट नहीं थे, किसी चीज़ का रोल था आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो भी था इट इज़ ओके, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ रोज़ ऐसा होता है, जो ना जाने कितने दूर से कुछ सपने लेकर आते हैं और यहाँ पर आके उनका ना टैलेंट देखा जाता है, ना उन्हें कोई स्क्रिप्ट बोलनी दी जाती है, ना ही कोई डायलॉग बोलना दिया जाता है, और उन्हें बस ऐसे ही कहा जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर द रोल एंड यू कैन लीव फॉर द डे। लेकिन हम खुश है कि हमारा YouTube चैनल है, हमारे साथ आप लोग हो जो हमें सपोर्ट करते हो, हम जो भी वीडियो अपलोड करते हो उसे लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, जो भी करते हो एटलीस्ट देखते हो, तो अभी आप लोगों का मूड हम ख़राब नहीं करेंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे, अभी फुल एंजॉय करेंगे, धमाल करेंगे, जितना हो सकता है उतनी जगह पर जाएंगे और घूमेंगे, अभी यहाँ पर वर्सोवा बीच है तो अभी वर्सोवा बीच पर जाएंगे, एक व्लॉग में दो दो कहानियाँ, क्या बात है बॉस, क्या बात है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, जाते हैं वर्सोवा बीच अभी। अभी हम आए थे यहाँ वर्सोवा बीच, यहाँ पर हमें ये दो नौजवान मिले और ये बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छे स्पॉट पे खड़े थे, तो हमने इन लोगों का वीडियो निकाल लिया। इरफान आपका काबिल है, किधर से हो आप लोग? त्रिपुरा से। त्रिपुरा असम से घूमने आए हो इधर? काम करने के लिए? जॉब करने आया। तो किधर रहते हो अभी? इधर अभी इधर साकिनाका में रहता हूँ। अच्छा साकिनाका, आज ऐसे घूमने हैं। चलो चलो, मेरा नाम संग्राम सिंह, चलो मिलते हैं कभी। जब कभी मैं अपने व्लॉगिंग के जरिए अनजान लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, दोस्ती करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ व्लॉगर, मुझे बहुत पसंद है लोगों से बातचीत करना। अभी यहाँ पर बहुत टाइम पास हो गया, मुझे जाना है माहिम, मेरा एक्चुअली काम है माहिम में, 7:30 तक शुरू होगा, तो वहाँ पर जाऊँगा, कुछ खाऊँगा कबाब शबाब और दरगाह जाएंगे, वहाँ पर भी जितना हो सकता है उतना व्लॉग करेंगे और उसके बाद माहिम शर्ट जाएंगे। हम निकल चुके हैं माहिम के लिए वाया खार बांद्रा, ट्रैफिक तो जबरदस्त होने वाला है क्योंकि बज चुके हैं शाम के 5:30, जस्ट क्रॉस खार, हियर वी आर इन माहिम। तो वेलकम बैक टू द चैनल, फाइनली हम लोग पहुंच गए माहिम, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां से माहिम दरगाह, जितना हो सकता है उतना व्लॉग करूंगा, आई डोंट नो अंदर मुझे व्लॉग होगा नहीं होगा दरगाह के अंदर, लेकिन जितना हो सकता है इज्जत में रहकर उतना व्लॉग करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। क्या नाम है छोटू तेरा? सोहेल। मेरा एक दोस्त भी है सोहेल शेख, मैं संग्राम, मिलते हैं दोबारा। फाइनली माहिम दरगाह जाकर आ गया मैं और मैंने खाना भी खा लिया और फालूदा भी पी लिया, तो काफ़ी अच्छा लगा, मन को एक सुकून एक शांति मिली। ये तो अभी हम जाते हैं जिस काम के लिए हम आए थे, तो हम हो गए फ्री 8:39, तो सी यू देन। इट्स अराउंड 10:45, वहाँ से डायरेक्टली निकला, मैंने कुछ व्लॉग वगैरह नहीं किया, फिर मैंने सोचा कि जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर कहानी खत्म करते हैं, आज का ये व्लॉग समाप्त करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हम ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहते हैं, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का।